फ्रेंड्स सबाई केमन आछेन भालो तो मैं हूँ सबुज आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे सो डियर फ्रेंड्स आज का ब्लॉग है सर्विस सेंटर के ऊपर आज मैं आ चुका हूँ एक मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर पे ए टू जेड रिलेटेड टू योर कार एनी काइंड ऑफ इश्यू एनी काइंड ऑफ डेंटिंग पेंटिंग It's been taken care by this specific service center. A to Z related to servicing is possible in this service center. Koi bhi servicing, koi bhi issue, denting, painting, anything related to your car, everything is rectified here in this service center. So the multi-brand service center ka naam hai जयप्रकाश ऑटोमोबाइल या A1 मैकेनिक्स द सर्विस सेंटर हैज अ डेडिकेटेड पेंट बूथ यस सो प्रॉपर सर्विसिंग के लिए प्रॉपर रैम्स चाहिए प्रॉपर रैम्स इंस्टॉल्ड है 5-6 रैम्स है टू टेक केयर ऑफ योर कार सो आई हैव द रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर अपूर्व कैसे है बड़ा एकदम बढ़िया आप बताओ एकदम स्वस्थ हो मस्त हो वैसे ही रहना है अपने एकदम और बोलिए तो सर्विस सेंटर का वीडियो देख के सब भाग जाते हैं तो क्या बोलना चाहेंगे वेरी क्रूशियल वेरी इंपॉर्टेंट जिनके पास गाड़ियां हैं सर आपके पास अगर कोई गाड़ी है ठीक है आप ये नहीं बोलेंगे आप हमें से काम कराइए आप हमें आइए अपनी गाड़ी दिखाइए ठीक है तो काम के लिए तो रिव्यूज़ आपको मिलेंगे ही सब जैसल में गूगल पर हमारा रिव्यू मिलेगा ही अगर आपको काम का एस्टिमेट अच्छा लगे तो आप काम कराइए आपका मर्जी नहीं वो उस पर मैं हम फोर्स नहीं करेंगे बट डेफिनेटली वर्कशॉप देख के भागने वाला कोई बात नहीं है कि भाई बाहर में लेके जा रहे हैं काम कैसा होगा नहीं होगा क्योंकि हम भी ट्राई करते हैं कि हमारे कस्टमर्स को हम जेन्युइन पार्ट्स दें राइट ठीक है तो हम पहले कस्टमर से डील क्लियरली करते हैं कि हम क्या पार्ट लगाएंगे आपको क्या चाहिए कौन सी ब्रांड का चाहिए ठीक है उसी के ऊपर में काम होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं मेरे को ये वाला माल लगा दीजिए ऐसा माल लगा दीजिए तो वहाँ पर हम खुद भी डिनाई कर देते हैं कि सर ये हमसे नहीं होगा राइट क्योंकि आज के डेट में गाड़ी में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है काम कराने के बाद में तो सबका माइंडसेट ये रहता है कि सर्विस सेंटर का गलती राइट और मैं मानता हूँ कि सर्विस सेंटर स्पेशली ये है मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर राइट एकदम सर और एक मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर तो बहुत लोग बोलते हैं मैं मल्टी ब्रांड हूँ बट काफ़ी सारा क्राइटेरियाज होना चाहिए मैं मानता हूँ एक मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर होने के लिए काफ़ी सारा क्राइटेरियाज उसका होना चाहिए एक तो proper mechanics, proper spare parts, proper mechanism, एकदम proper tools, एकदम sir, proper paint booth, plus उसके साथ proper helping hand, जैसा app, एकदम website, सब कुछ है and support, breakdown support, आपको multi garage breakdown support जल्दी से नहीं देगा, कोई नहीं देता है and जैसे दादा का last video में भी आपने देखा था कि हमारे पास में खुद support देने के लिए हमारी car है जो हम पैन कैलकटा हावड़ा में use करते हैं right ठीक है एंड द बेस्ट थिंग इज दैट हम अब सिलीगुड़ी में भी आ रहे हैं ओके फ्रॉम मंथ ऑफ जनवरी 15th ऑनवर्ड्स हमारा सिलीगुड़ी सालूगढ़ा में वर्कशॉप खुल रहा है ठीक है सो विल बी इन सिलीगुड़ी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स सो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी कस्टमर्स हैं या व्यूअर्स हैं जो कार्स ओनर्स हैं प्लीज़ गेट इन टच एंड डेफिनेटली दादा नीचे लास्ट में नंबर लिखेंगे एंड आप हमारा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमारा नंबर है एंड वी विल बी ट्राइंग आर बेस्ट जैसा हम सर्विस कलकत्ता में देते हैं हम उससे अच्छा सिलीगुड़ी में सर्विस दे देंगे कि फुल तैयारी के साथ में और कोशिश के साथ में कूदने वाले हैं मैदान में तो एड्रेस थोड़ा सा समझ लेंगे कोलकाता वाला हमारा एड्रेस सर अगर आप दो लैंडमार्क है मैं बोलना चाहूँगा एक तो रूबी जनरल हॉस्पिटल EM बाईपास के ऊपर सेकेंड है अर्बना कॉम्प्लेक्स यस अर्बना NRI कॉम्प्लेक्स वहाँ से थोड़ा सा अंदर में है अगर कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ जयप्रकाश ऑटोमोबाइल्स करके आप सर्च करेंगे गूगल में आपको मैप में जयप्रकाश लिस्टेड मिलेगा विद प्रॉपर पिन लोकेशन फैंटास्टिक तो और देर नहीं करेंगे एक एक कार का डिटेलिंग समझने की कोशिश करेंगे एकदम सर काफ़ी सारा गाड़ियाँ है मैं देख पा रहा हूँ तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा इस साइड पर आ जाने के लिए तो हम लोग शुरुआत करेंगे फॉर्चुनर से फॉर्चुनर आपके पास है मैं देख पा रहा हूँ एकदम सर आज ही यही फॉर्चुनर आई है एंड दो पैनल का पेंट का काम है पीछे रेयर एंड एक दरवाजे पे वी विल बी डूइंग इट एंड गेटिंग इट डिलीवर्ड बाय 31st एंड मंथ एंड 31st का जो प्रेशर है एवरीवन इज वांटिंग टू 31st न्यू ईयर उनकी गाड़ी रहे एंड हमारी भी कोशिश है कि हम सबकी फुलफिल कर सकें राइट रिक्वायरमेंट
पता नहीं हम कितने कर पाएंगे, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर दैट. सो दो पैनल का काम है एंड होप अच्छा काम करेंगे कस्टमर का. सो पैनल का काम है, पैनल का जस्ट पेंटिंग. पैनल का काम आया, पेंटिंग का काम आया, तो मैं थोड़ा सा पेंट बूथ जो है वो दिखाना चाहूंगा. एकदम सर. सो दिस इज द पेंट बूथ. काफी रेयर ये पेंट बूथ आता है सर्विस सेंटर पे, राइट? एकदम. डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बाकी सर्विस सेंटर पे भी पेंट का काम होता है और इसमें क्या डिफरेंस क्या है? एक ऐसा डिफरेंस है कि बस मैंने फ्रिज से खाना निकाला और खा लिया, और फ्रिज से खाना निकाल के माइक्रोवेव में गर्म करके अच्छे से स्वाद लेके खाया. यही मेन डिफरेंस है पेंट बूथ का. पेंट बूथ में क्या है, डस्ट नहीं आते हैं, ठीक है, तो पेंट अच्छा आता है. हीट के वजह से एयर ड्राई जल्दी होता है एंड अच्छा ड्राई होता है. उसका लॉन्गजेविटी भी बहुत अच्छा रहता है. तो ये मेजर डिफरेंस है. मान लीजिए कि मैं बाहर से पेंट कराता हूँ और आपसे पेंट कराता हूँ, पेंट का क्वालिटी पे कोई चेंजेस है? डेफिनेटली चेंज आएगा सर. जैसे आप वही है ना, अभी गर्म समोसा और एक ठंडा समोसा, थोड़ा सा आसान तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे. आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो पेंट जो ड्राई लेता है ना, जब हम बाहर में पेंट करते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन उसका सराउंडिंग टेम्परेचर कैसा है. राइट. ठीक है, तो वो उसी हिसाब से ड्राई लेगा. एंड जब ड्राई ले रहा है तो वेट है, वेट पोजिशन में डस्ट पार्टिकल्स बैठते ही हैं. ठीक है, रोड साइड में है या ओपन गैरेज है. स्पेशली मेरे को लगता है इम्पैक्ट होता है जब बारिश का मौसम, बारिश का मौसम आएगा तो उसमें वो फूलने का चांसेस बहुत बेसी हो जाता है. कलर का क्वालिटी खराब होती है, 6 महीना के बाद में आपको लगेगा कलर फूल रहा है, बबल्स आ रहे हैं कलर्स में. इंस्टेंट समझ में नहीं आता, इंस्टेंट समझ में नहीं आएगा. बट पेंट बूथ में क्या है, एक अच्छे से वो ड्राई लेता है, पूरा पकड़ता है एंड उसका लॉन्गजेविटी बहुत अच्छा होता है. फिर आप देखिएगा, आपकी गाड़ी के अंदर में अगर आप नॉर्मल पेंट कराते हैं ना, आपको थोड़ी देर के बाद में वो रफनेस का फीलिंग आएगा. एंड पेंट बूथ हल्का सा रफ आएगा, हल्का सा रफ आएगा पेंट के ऊपर, पेंट के ऊपर में. एंड क्लियर कोट भी जल्दी से ड्राई नहीं लेता है, कहीं कहीं पर फिंगरप्रिंट्स रह जाते हैं. एंड अगर आप शोरूम से गाड़ी लेते हैं या आप गाड़ी अच्छे पेंट बूथ में पेंट होता है आपका, तो वो आपको स्मूथ फीलिंग फील होगा, पॉलिश ऐसा लगेगा, एक मजेदार फील आएगा कि हाँ. सिंपल सा फंडा है जो मुझे समझ में आया, एक नया गाड़ी खरीदने के बाद शोरूम पीस जो होता है, जैसा पेंट का क्वालिटी होता है वैसा ही सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम आता है पेंट, और लॉन्गजेविटी होगा, लॉन्गजेविटी बहुत अच्छा आता है. फैंटास्टिक. एंड इसीलिए हमने पेंट पे अपना वारंटी भी रखा है. ओके, इज इट? या हम पेंट पे वारंटी देते हैं कि आपका बबल्स नहीं आए एंड पिन होल्स नहीं आएंगे, ठीक है. एंड सेकेंडली हम अपने कस्टमर्स को पेंटिंग के लिए स्पेशली वारंटी देते हैं कि 100% कलर मैच नहीं होगा तो हम वापस करके देंगे. फैंटास्टिक. क्योंकि बिना कलर मैच के हम गाड़ी जल्दी से कस्टमर का रिलीज नहीं करते. ओहो. क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है. इज वन ऑफ द मेजर USP. So what is this A1 Mechanics? A1 Mechanics हमारा दिया हुआ है, ऐप है एंड ये हमारा IVR नंबर है. कस्टमर इस पर कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं. एंड ये कार हमारा सर्विस वैन कार, एक्चुअली ब्रेक डाउन सर्विस वैन है. कस्टमर्स का ब्रेक डाउन होता है, देन वी सेंड दिस कार टू आर कस्टमर प्लेस. सो व्हाट्स द प्रोसेस? जस्ट गिव अस अ कॉल और ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 8571-8571-32. सो आई रिक्वेस्ट everyone टू सेव दिस नंबर फॉर an emergency. It's applicable only for Kolkata and Howrah region. So any breakdown of your car, you can instantly give a call in this specific number. Aapke paas ye van pahunch jayega, solve ho jayega aapka gaadi ka issue. And even agar aapke ghar pe inspection karni hai gaadi, just let us know. We'll send someone to get your car inspected at your doorstep. So gaadi to every day aata hai, every day jata hai. Kaafi sare issues ke liye aata hai aapke paas. A to Z. Ekdam. सो क्या क्या मेजर इश्यूज़ के लिए आता है? सर देखिए, मेजर इश्यूज़ के लिए हमारे पास में कस्टमर्स की जो गाड़ी आती है ना, सस्पेंशन नॉइस. कलकत्ता के रोड्स की वजह से बहुत गाड़ियाँ चलती भी हैं, इतना कंजस्टेड एरिया है अपना, तो बहुत ज़्यादा सस्पेंशन और सॉकर नॉइस के लिए आता है. एंड मल्टी गैरेज में कस्टमर्स अपनी पुरानी गाड़ियाँ ही लेकर आना पसंद करते हैं, ठीक है, तो तब तक में भी बहुत सारा वेयर एंड टेयर होता है. तो मैक्सिमम हमारे पास में बॉडी एक आता है, मैकेनिकल में सस्पेंशन, ब्रेक एंड सर्विस, ये तीन एक मेजर पार्ट है. फुल बॉडी कलर चेंज, डेंट पेंट, इंश्योरेंस वर्क, एनी टाइप ऑफ बॉडी वर्क के लिए आता है. स्मॉल एक्सीडेंट, स्मॉल एक्सीडेंट, रस्टिंग. ओके, रस्टिंग. रस्टिंग बहुत ज़्यादा कंसर्न है पुरानी गाड़ियों में. ओके, तो उसके लिए वाटर लॉक, वाटर लॉक के लिए भी आता है. ओके, ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट ईयर भी 3-4 गाड़ी वाटर लॉक की कंप्लीट चेंज करके दी थी कस्टमर को, इंजन ने पूरा. ओके, तो
बहुत मैकेनिकल के लिए इश्यूज़ है, छोटा छोटा भी बहुत लग्जरी गाड़ीज में जो एरर कोड्स आ जाते हैं फॉल कोड्स, राइट, मैक्सिमम उसके लिए आता है गाड़ी। तो ए टू जेड प्रीमियम का सर्विस है एकदम, सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। वी हैव वर्क टू ऑडी, वी हैव वर्क फ्रॉम नैनो टू बेंटली, ओहो, सो वी हैव वर्क फॉर अ रेंज। हर कस्टमर कस्टमर है, गाड़ी उनकी अपनी है, उनका एक इमोशन होता है उनकी गाड़ी के साथ में। जयप्रकाश कैटर्स टू ईच एंड एवरी सेगमेंट, ए टू जेड, नैनो टू ऑडी, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। काफ़ी सारा गाड़ियां हैं मैं देख पा रहा हूँ, इसका क्या इश्यूज है? सर ये फुल बॉडी चेंज कर रहा है कस्टमर का हम लोग, कलर फुल बॉडी, फुल बॉडी कलर चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज। ये पहले आपका ग्रेइश कलर में था एंड नाउ अब लोग इसको मिडनाइट ब्लैक में चेंज कर रहे हैं। ओके, माने फुल कलर चेंज हो रहा है, फुल कलर चेंज हो रहा है। ओके, टेरानो है क्या? निशान टेरानो, निशान टेरानो, निशान टेरानो। ओके, एक छोटा गाड़ी है, स्पार्क, स्पार्क एसी है, बहुत सारे छोटे छोटे कंसर्न्स हैं। एसी का काम होता है इधर? हाँ, एसी का भी काम होता है। और इंजन का काम? इंजन का भी काम होता है, सब कुछ होता है, सब करते हैं। ऑल कार्स? ऑल कार्स, प्रीमियम आल्सो? प्रीमियम आल्सो। फैंटास्टिक। तो इसका क्या है इशू? अभी इसका खाली एसी का काम बाकी है, बाकी सारा का काम बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है। okay. प्रॉब्ली हमें इसका कंप्रेसर शायद चेंज करना पड़ेगा, तो वी टॉक टू द कस्टमर, इफ ही एग्री देन वी विल डू इट। हाँ जी, इधर एक गाड़ी देख पा रहा हूं, इट्स अ रेनॉल्ट स्केल, वी आर डूइंग क्लच वर्क एंड सस्पेंशन वर्क इन इट। हम लोगों ने क्लच खोल के रखा है गाड़ी का, सो वी आर गोइंग टू गेट द क्लच चेंज। ओके, सो जस्ट वेटिंग फॉर द पार्ट्स, पार्ट्स आएगी, गाड़ी का काम आज हो जाएगा खत्म। सो क्लच एंड सस्पेंशन, एक डिजायर है, न्यू शेप डिजायर, नया गाड़ी डिजायर है, कस्टमर मल्टीपल जगह पे गाड़ी में लगी हुई है। ओके, सो वी आर गेटिंग इट डेंट, या डेंट एंड पेंट, लेकिन आप मार्किंग देख सकते हैं। ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू डू द पार्ट्स, जो जो मार्क्ड है कस्टमर के रिक्वेस्ट पे, कुछ काम हो चुका है, कुछ काम करना है, सो इनका भी 31st तक इनको गाड़ी रेडी करके देना है। फैंटास्टिक। आर्टिगा, आर्टिगा इंश्योरेंस क्लेम हुआ है इस गाड़ी का। ओके, लेफ्ट साइड इंपैक्टेड हुआ है, सो वी आर लेफ्ट साइड, राइट साइड, राइट साइड इंपैक्ट हुआ है, राइट साइड हुआ है, उस माय लेफ्ट हैंड से गलती हो गया। हाँ, गाड़ी का राइट साइड इंपैक्ट हुआ है, सो वी आर गेटिंग राइट साइड डन, सो ऑलमोस्ट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड वी आर चेंजिंग राइट साइड डोर आल्सो अंडर इंश्योरेंस। सो वी हैव इंश्योरेंस कैशलेस टाई अप विद अस, आपके अगर कोई भी इंश्योरेंस हो जस्ट कॉल अस, वी विल हेल्प यू ऑन से। ओके, अभी एक i10 में देख पा रहा हूं, i10 दस फ्रंट एक्सीडेंट हुआ था, सामने का बोनेट, सामने सा बम्पर एंड बोनेट, सो वी हैव फिक्स्ड द RSV, we have changed the headlight and we are just going to repaint and everything and we will put it back. So probably kal tak mein delivery ho jayegi gaadi ready. Okay. Okay. Ek Swift mein dekh pa raha hu, iska catalytic converter bahut awaaz kar raha hai. Okay. So we are changing it. Kya hai issue? Exhaust manifold ka jo catalytic converter hai wahan se bahut zyada noise aa raha hai. Okay, the catalytic converter. Haan ji. Okay. So wahan se bahut zyada noise aa raha hai. So we need to change it. बिकॉज गाड़ी थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, फ्रंट इंपैक्ट हुआ था, हमने ही रिपेयर किया था, तो कस्टमर ने उस समय बोला था कि अभी नहीं कराऊंगा, थोड़े दिन चला के देखता हूँ उसके बाद। आई थिंक वी हैव कैटर्ड डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज, डेफिनेटली काफ़ी सारा, और क्रिटिकल इश्यूज, क्रिटिकल इश्यूज। तो लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज? एनी कार, एनी थिंग, एनी प्रॉब्लम, जस्ट गिव अस अ कॉल, वी विल हेल्प यू आउट, उसके बाद की आपकी इच्छा। यस, क्योंकि वी आर द हेयर टू जस्ट हेल्प आर कस्टमर्स, एन नंबर्स ऑफ कस्टमर्स और एनी कस्टमर्स, सो जस्ट गिव अस अ कॉल। एंड और यू हैव ऐप के बारे में थोड़ा बताइए। हमारा जो ऐप है वो ऐप स्टोर पे लिस्टेड है, प्ले स्टोर पे, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। A1 Mechanics, साथ में, एक साथ में लिखा होगा, A1 Mechanics ऐप भी है, ऐप भी है, सो यू कैन गेट इन टच विद अस थ्रू ऐप। एंड आई सजेस्ट, सबसे बेस्ट क्या है ना, आज के डेट पे कस्टमर कुछ देखे ना देखे, आप में कुछ देखे ना देखे, वी चेक व्हाट्सअप, राइट, एवरी 10 to 5 minutes वी हैव अ टेंडेंसी टू चेक व्हाट्सअप, राइट, सो जस्ट गिव अस अ व्हाट्सअप ऑन 8571 8571 32, जो हमने आपको स्टार्टिंग में नंबर दिखाया था, एंड वी विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। फैंटास्टिक, आई थिंक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव इम्पार्टेड, शायद आपको काम पे आएगा आज नहीं तो कल। सर्विस सेंटर के बारे में हमारा नॉलेज काफ़ी कम होता है आज के डेट पे, और कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, जाना सही होगा कि नहीं, कॉस्ट कैसा होगा, तरह तरह का सवाल होता है दिमाग में। आई थिंक वी हैव ट्राई टू कैटर ऑल दोज क्वेश्चंस, और मेरा रिकमेंडेशन होगा जयप्रकाश ऑटोमोबाइल्स। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दोबारा और एक ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय बाय।